हेमंत सरकार के निशाने पर लगातार बीजेपी है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अभी अलग अलग जिलों में जाकर के सरकार आपकी योजना के द्वारा संबोधित करते हैं जनसभा को, और उस दौरान वो कहते हैं कि 20 वर्षों तक जिसने राज्य में शासन किया है वो इस राज्य को लूटा है और राज्य को गरीब बनाया है। साथ ही कहते हैं कि हम कोई भी नीति लाना चाहते हैं उसमें बीजेपी अरंगा लगाती है, चाहे रोजगार के विषय में हो या फिर राज्य के विकास को लेकर के कोई भी नीति बनती है राजभवन तक पहुंचकर उसे जो है बाधित करने का काम करता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। जोहार मदन बाबू, प्रतुल जी क्या कहेंगे ये मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि 20 वर्षों तक जो शासन किया है वो इस राज्य को खोखला बना दिया, लूट लिया है। कितने वर्षों तक मदन जी? 20 वर्ष। मुख्यमंत्री जी कितने वर्षों से राज कर रहे हैं? फिलहाल तो 4 वर्ष। इससे पहले वाला टर्म याद है आपको, कितने दिन राज किया था? 14 महीने। और उसके पहले आपको याद है ये उप मुख्यमंत्री भी रहे थे 2 वर्ष से ज्यादा, और याद है आपको इनके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 160 दिन के लिए और एक बार 163 दिनों के लिए। और आपको याद है राष्ट्रपति शासन कितने दिनों का था? 604 दिनों का, जिस समय यूपीए का शासनकाल था, जिस समय जो राजभवन है वो एक्सटेंशन दफ्तर हुआ करता था कांग्रेस दफ्तर का। तो आपको पता है कि 23 वर्ष में कितने वर्ष हुए? 12 वर्ष। यानी मुख्यमंत्री जी का परिवार कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस राज्य पर 12 वर्ष तक राज करता रहा, और ये 23 वर्ष हमें दोष देते हैं। इनको अर्थमेटिक का एक मैथ्स का टीचर रख लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, जोड़ घटाओ जो है वो अब सीखने का इनको समय आ गया है। 1932 का भी जिन एक बार फिर से बाहर आ रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 1932 आधारित रोजगार जो है यहाँ के युवाओं को देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी बाधित करती है। ये समझते ना ऐसे क्या बजाया जाता है, झुंझुना। तो 1932 मुख्यमंत्री जी के लिए झुंझुना है चुनाव का। अभी इनको बिल लाने दीजिए विधानसभा में, उसके बाद ही कोई विस्तृत टिप्पणी देना उचित होगा। लेकिन रोजगार को लेकर के युवा आंदोलन कर रहे हैं, जेएसएससी कार्यालय के बाहर आपने देखा कि आत्मदाह तक करने को मजबूर हुए छात्र। तो इस बीच अब जेएमएम की तरफ से या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहना कि हम रोजगार के लिए प्रयासरत हैं, रोजगार जल्द देंगे, इसको आप किस रूप में देंगे? मदन जी, उससे भी शर्मनाक बयान आपने देखा जेएमएम का, कि जो आत्मदाह करने वाला था वो बीजेपी का एजेंट था। अरे कोई अपनी जीवन लेने को तैयार और आप उसको बीजेपी का एजेंट कर रहे हैं? ये वही युवा हैं जिन्होंने सपने देखे थे 5 लाख सरकारी रोजगार का प्रत्येक वर्ष, और अभी तो 2.5-3 लाख से ज्यादा नियुक्तियां अभी रिक्त है सरकारी विभागों में, 70,000 अकेले गृह विभाग में रिक्त है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो 7.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार है अलग अलग बेरोजगारी एक्सचेंज में, रोजगार एक्सचेंज में, माफ कीजिएगा। और फिर भी ये कहते हैं कि नौकरी देने में भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, इनको शर्म आनी चाहिए। जितने लोगों ने इनके साथ सपने देखे थे ना, सबके सपने तोड़ दिए। और हाल का एक्सक्यूज क्या था कि साहब एजेंसी सक्षम नहीं है, क्यों पैसे एजेंसी का चयन करके एग्जामिनेशन की घोषणा कर देते हैं? एग्जामिनेशन की घोषणा करने से पहले क्या आपने एजेंसी से पूछा नहीं था कि वो सक्षम है या नहीं? या अचानक आपको लगा कि इस बार क्वेश्चन पेपर लीक होने की संभावना कम है, पैसा कम बनेगा, तो आपने रद्द कर दिया? तो ये तो भ्रष्ट आचरण में डूबी सरकार है, इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बीजेपी के खिलाफ एक माइंडसेट तैयार करने की कोशिश हो रही है ये जो सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम है, इसके तहत मुख्यमंत्री के निशाने पर सीधे तौर पर बीजेपी और केंद्र की सरकार। हुजूर बहुत देर कर दी आपने आते आते, मुख्यमंत्री जी जनता जान चुकी, एक्सपोज हो चुके हैं आप। आपका भ्रष्ट आचरण, आपके जितने मित्र संबंधी हैं उनका भ्रष्ट आचरण आप किसी से छिपा नहीं है। अब आप कितना भी नाटक कर ले सरकार आपके द्वार, जनता तो इस बार आपको बाहर का द्वार दिखाएगी। और आपने बहुत देरी कर दी ये जागने में और ये करने में, और आपने जो पहला दो दौर का जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था उसका तो श्वेत पत्र आज तक जारी नहीं किया कि कितने आवेदन आए और कितने का आपने निष्पादन किया। तो ये झूठ का फरेब का सरकार है और यू टर्न मारने वाले लोगों की सरकार है। याद कीजिए कृषि लोन माफ हुआ क्या 32 लाख किसानों का, याद कीजिए क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला, याद कीजिए क्या महिला उत्पीड़न की संख्या कम हुई, ये तो अभी रिकॉर्ड हाई पे है, और याद कीजिए कितने रोजगार बेरोजगारों को रोजगार मिला। बल्कि जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को लेकर, जहां से वो जीते वहां तो राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था, और बाद में मुख्यमंत्री ने पूरे पन्ने का विज्ञापन देकर कहा हम नौकरी देने के लिए कृत संकल्पित है। आप बताएं नौकरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जहां सरकार ने विरोध किया, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं भाई हम कृत संकल्पित। तो ये झूठ फरेब की सरकार। अब झारखंड में फिलहाल जो सियासत चल रही है वो कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है इसको लेकर के संकल्प यात्रा, इसमें हमारा कोई तुलना नहीं उनसे। हम सदाचार की राजनीति करते हैं, वो भ्रष्टाचार की करते हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो इसी तरह का चल, संकल्प यात्रा बीजेपी का निकला,
आपके पास है तो हमारी तरफ नहीं देंगे। हमारा कहना है कि ये सिद्ध करें ना, इन्होंने तो कहा था कि हमारे सारे मंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी सहित सबको 3 महीने के भीतर जेल भेज देंगे। अब तो सरकार अपने अंतिम मृत्युशैया पर है राजनीतिक, अब तो कुछ ही महीने का कार्यकाल बचा, वो भी दो दो चुनाव में निकल जाएंगे। तो अब मुख्यमंत्री जी क्या नाटक कर रहे हैं, पहले 3 महीने तो छोड़ दीजिए, अब तो अंतिम के कुछ महीने बचे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री जी एक्सपोज्ड हैं। ये सरकार, इसका शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जो लाल कोठी जाने से बचेगा। ठीक है, लेकिन संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल जी के निशाने पर हेमंत सरकार थी, सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगे उस संकल्प यात्रा के दौरान सरकार के सबूतों के साथ। अगर ईडी ने चार्जशीट में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि को किंगपिन माना, तो इसमें क्या बाबूलाल जी की गलती थी? क्या 10,000 करोड़ का माइन ये लैंड स्कैम हुआ रांची में इनके चहेते अधिकारी छवि रंजन के कार्यकाल में, और बाबूलाल जी ने ये सच बताया, तो क्या उनकी गलती थी? बाबूलाल जी ने तो सिर्फ आईना दिखाया। योगेंद्र तिवारी, पूजा सिंघल जैसे सिस्टम के जितने लोग हैं, सबका शीशा दिखाया कि इस सरकार में पंकज मिश्रा, अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश जैसे तमाम लोग किस तरीके से हैं, वो सब एक्सपोज किया। और लास्ट पॉइंट, प्रेम प्रकाश सत्ता का दलाल, मुख्यमंत्री का चहेता, उसके घर जब रेड होता है तो मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड के 2-2 AK-47 बरामद होते हैं, आज तक रांची पुलिस ने FIR नहीं किया, क्यों? लेकिन संकल्प यात्रा कहीं बदला तो नहीं है कि सीधे इस जो सरकार आपकी द्वार योजना के तहत जो जनसभा संबोधित हो रहे हैं उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के 20 वर्षों के कार्यकाल पर लग रहा है? फिर 20 वर्ष मैंने ना कहा ना कि मुख्यमंत्री को मैथ्स के टीचर की आवश्यकता है कि उनको गिनती भूल गए। देखिए 20 वर्ष तो है नहीं, मैंने आपको सिद्ध कर दिया। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं, भयभीत हैं, अंदर का इनको एक डर सता रहा, एक अनजाना सा डर, जो इनको पता है कि इनकी अंतिम जो हश्र है वो कहां होने वाला है, इसलिए ये कुछ भी कहेंगे। अब संकल्प यात्रा की अपार सफलता मिली, संथाल से कोल्हान तक, पलामू से लेकर आपको एक दूसरे कोने तक राज्य का, सब जगह हजारों हजार लोग बाबूलाल जी को सुनने आए। अब मुख्यमंत्री जी को उसी दिन पता चल गया कि उनकी जो यात्रा है, उनके राजनीतिक जीवन की अंतिम यात्रा, वो शुरू हो गई। तो आपने सुना प्रतुल सहदेव जी का, दरअसल बात ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब फिर से एक बार 1932 का जिन निकल आया है। अब देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या फिर से 1932 ही एक मुद्दा बनता है। अपने सहयोगी ठीक है कर देते हैं, अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज बायस्कोप रांची।